हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 7th अक्टूबर 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन करके रख दिया है। ये चार्ट जो है मैंने मेरे जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन जो है वो क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.23% का नेगेटिव मूव, 962.75 हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या ऐसा ही नेगेटिव मोमेंटम रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारे को ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे वन डे के चार्ट पे, बात करते हैं किस तरह का यहाँ पे फ्राइडे के दिन जो परफॉर्मेंस देखने मिला, यानी कि वॉल्यूम और कैंडल किस तरह की बनती हुई देखने मिली है। कैंडल की यहाँ पे मैं बात यहाँ पे वॉल्यूम की अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो एवरेज से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम जरूर देखने मिला कैंडल, लेकिन यहाँ पे लास्ट साइज की बॉडी बनी है। दोनों के साइड में छोटी छोटी एक तरह से विक हमें देखने मिल रही है। आरएसआई की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो RSI हमारा आ चुका 38-39 के आसपास, जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंटम का जो इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ RSI या इंडिकेटर्स पे जो भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है हर एक चीज जो है आपको मंडे के लिए जो बना रखे चार्ट में बताऊंगा, उसके पहले लेकिन ट्रेंड जो बता देता हूँ जो आपको आने वाले दिनों में हेल्प करेगी। तो ट्रेंड जो है स्टॉक में नेगेटिव है, नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन जरूर एक पॉजिटिव मूव की, एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव थोड़ा सा हमें 975 के आसपास देखने मिले, उसको भी क्रॉस कर देगा तो मोमेंटम हमें जो है वो 1000 तक इजिली आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है तो इंट्राडे में जब भी स्टॉक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में जब भी स्टॉक आए और यहाँ पे जो आपको कुछ भी रिवर्सल का साइन दिखे में तो जरूर जो वहाँ पे उसको ग्रैब करें, क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा हो जाएगा। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। चलिए बना रखे चार्ट पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को जो है मार्क करते हुए हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है मंडे के लिए वो हम आपको बताते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जरूर मार्क्ड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट जो है डेटा बना उसके उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे यहाँ पे आगे का जो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो फिलहाल जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी सेम टू सेम अपने चार्ट पे कर ले। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग की मैं बात करूँ तो 963.9 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 960.7 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 969.85 का। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस उनका जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले आपको दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 954 का, उसके बाद क्या था 948 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बाद क्या अगला था 978 का, उसके बाद क्या था 985 का। करेंटली मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मंडे के लिए जरूर एक पॉजिटिव मूव के 969 से लेके 978 के रेंज में मेरी क्लोजिंग की भी एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिव क्लोजिंग में जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे के लिए। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।